आगे भेजा अल्लाह ने ऐलान किया है कि मैं रब्बुल आलमीन ने मोमना वास्ते कुरान आसान किया है, फिर अल्लाह ऐलान कर रहा है यासीन वल कुरान हकीम, ये कुरान हिकमत से भरा हुआ है। फिर अल्लाह चाहता है मोमनो जब इसको छुओ पाक बाबूजू के हाथ लगाओ, फिर अल्लाह चाहता है जब मोमनो पढ़ो तो लज्जत के साथ ठहर ठहर के पढ़ा करो। मेरी माओ बहनों जीजे जी कुरान मजीद को पढ़कर सीखकर इसमें अमल पैरा हो जाओ। आप सब के घरों में कुरान मजीद मौजूद है, जो मेरी माँ बहन नमाज फजर के बाद कुरान मजीद की तलावत करेगी सारा दिन पैसे बरकत होगी। अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए मसाजिद में भेजें, 5 वक्त नमाज खुद पढ़े, बच्चों को पढ़ाएं। हमारे मुसलमान की पहचान नमाज से की जाती है, तमाम माए बहने 5 वक्त की नमाजी बन जाए। ये हम पैगाम लेके आए हैं आप सबके लिए। अभी 8 पारे खोल के रखे हैं। कुरान मजीद का जो दिल है उसको सूरत यासीन कहते हैं। कुरान मजीद का जो दिल है सूरत यासीन है। जो मेरी माँ बहन भाई बुजुर्ग दोस्त सिर्फ 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद पढ़ेगा, ये जो फरिश्ते हैं ये नामा अमाल में पूरे 30 पारों का सवाब लिख देंगे। अभी जो माए बहने आई हैं कुछ ना कुछ पढ़ के जाए। जो